सो हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? शायद अच्छे ही होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं आपको जियो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखना, नहीं तो कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। जैसा कि आप जानते हो कि आपकी जियो पसंदीदा है, मेरी पसंदीदा है, तो जियो हर बार की तरह इस बार भी कुछ नया धमाका करने वाली है। जियो इस बार फाइबर टू द होम जो सर्विस है वो लॉन्च करने वाली है, ठीक है, मई के अंत में या फिर अगले महीने के अंदर ये लॉन्च हो जाएगी। और ये सबसे पहले कुछ सिटीज के अंदर, 30 शहरों के अंदर या फिर कुछ ज्यादा शहरों के अंदर लॉन्च होगी, ठीक है। तो ये जो फाइबर टू द होम सर्विस है, इसके अंतर्गत क्या होगा कि आपको मिलेगी 1100 GB फ्री डाटा मिलेगी, ठीक है। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि फाइबर टू द होम सर्विस है, और इसके अंदर आपको फाइबर कनेक्शन लेने के लिए आपको कनेक्शन लेना होगा। और कनेक्शन इसलिए क्योंकि ये प्रीपेड यूजर्स के लिए नहीं है। जैसा कि मैंने बताता हूँ आपको, आप सिम डालते हो, ठीक है, जियो की, तो वैसा कुछ नहीं है, जियो की सिम वाला सिस्टम नहीं है, आपको ये ब्रॉडबैंड लाइन है, ठीक है। तो इस कनेक्शन को लेने के लिए आपको 4500 रुपये देने होंगे सिक्योरिटी के तौर पर, और वापस भी आपको मिल जाएंगे जब आप ऑपरेटर को चेंज करते हो तब, ठीक है। तो होगा क्या, जब आप ये कनेक्शन लेते हो तो आपको प्रीव्यू प्लान के तहत शुरू के अंदर आपको मिलेगी 100 GB डाटा, ठीक है, 100 GB डाटा मिलेगी 3 महीने। और जैसे ये 100 GB डाटा खत्म होती है आपके पास, तो आपको 40 GB का जो रिचार्ज है वो 1 महीने में 25 बार आप करवा सकते हो, टॉप अप प्लान रिचार्ज आप करवा सकते हो फ्री के अंदर। तो ये अंबानी जी ने कुछ ऑफर है जियो का, जो अच्छा ऑफर लगा मुझे, ये लॉन्च करने वाली है अंत तक, ठीक है, मई के अंत तक या फिर अगले महीने के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा है। और दोबारा बताता हूँ मैं आपको कि ये प्रीपेड यूजर्स के लिए नहीं है ये रिचार्ज, ठीक है, ये एक लाइन है जो आपको, इस लाइन के अंदर ये कनेक्शन आपको लेना होगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटी सी कुछ न्यूज़ थी जो मैंने आपको दे दी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। मैं ऐसी आपके लिए अच्छी अच्छी न्यूज़ लाता रहूँगा, ठीक है।